हरियाणा में हिसार जिले के स्याहरवा गांव में फंसे किसान जयपाल हुड्डा के शव को सेना और एनडीआरएफ ने आखिरकार करीब 80 घंटे बाद निकाल लिया। ऑपरेशन को पूरा करने के लिए 2:30 बजे की डेडलाइन तय की गई थी। बुधवार दोपहर बाद 2:22 पर ही किसान की बॉडी को कुएं से निकाल लिया गया। किसी को भी बॉडी देखने नहीं दी गई और आनन फानन में उसे एम्बुलेंस से हिसार के नागरिक अस्पताल में भेज दिया गया। किसान की बॉडी को एम्बुलेंस तक पहुंचाने से पहले ही सेना ने ग्रामीणों को हटा दिया था। वहीं गंगवा डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने हिसार के गांव स्याहरवा में हादसे के शिकार हुए किसान जयपाल हुड्डा और मजदूर जगदीश उर्फ फौजी के परिजनों को मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत 5.5 लाख रुपए की राशि जल्द से जल्द दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच किसान नेताओं ने दोनों मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने और साथ में एक एक पारिवारिक सदस्य को गुजर बसर के लिए सरकारी नौकरी देने की मांग की है।